बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? भीम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कौन हो लड़के? मैं इंडिया का यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर लिटिल सिंघम, नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें मैं अपना फर्ज निभाने से नहीं रोकूंगा लिटिल सिंघम, पर पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। मुझे इस मुसीबत की घड़ी में ढोलकपुर के लोगों की रक्षा करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया भी। भीम, कहा ना अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं। जब तक मुझे आग और पानी के रहस्य का पता नहीं चल जाता, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। भीम, लगता है यही है वो आग जो ढोलकपुर को जला के राख कर देगी। दिमाग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को। रुक जाओ, रुको। ये कहां से आ गए? कुछ करना होगा। साथ मिलकर इन गांव वालों को बचाना होगा। हाँ, अपनी आग और पानी की ताकत से। चलो सबको बचाते हैं दोस्त। चुटकी, बबली, तुम सब लोगों को लेकर वहाँ ऊपर चली जाओ ताकि पानी वहाँ तक पहुँच ना पाए। ठीक है भीम, तब तक हम बांध के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। हम अगर काल और किरमाड़ा को खत्म कर दें तो काला अमृत किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। पर काल अमृत तभी प्रकट होगा जब आग और पानी विष। पता है तबूरा, पर उस बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ। हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं किरमाड़ा। तुम्हें यकीन है पानी यहाँ अपनी जान को दांव पे लगाने आएगा? उसके सिर पे दुनिया को बचाने का भूत सवार है। वो जरूर आएगा, पर आग का क्या? क्या वो यहाँ आएगा? उसे अपना फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर आएगा। किरमाड़ा, तुम कभी जीत नहीं सकते। काल, तुम हार हार के थक नहीं गए? कुछ भी हो जाए, इस बार जीत हमारी ही होगी। काले अमृत को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम तुम दोनों को उसे पीने से तो रोक सकते हैं। मेरे पास तो मेरी शक्तियाँ भी अभी नहीं है। मैं भीम का सामना नहीं कर सकता। हाँ?
तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आग और पानी आज तुझे धूल चटाएंगे काल। बुराई का अंत सिर्फ बुरा ही होता है काल। और मेरे दोस्तों को क्या हुआ था? ये सब क्या है? लिटिल सिंघम, भीम, छोटा भीम, याद है हमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए विष पिया था और वो अब हमें यहाँ से निकालने आए हैं। तो हो जाए आग और पानी का साथ। इनसे हम निपटेंगे। तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ। वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धुनी बाबा, नहीं। काल और किरमाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी ज्वालामुखी डाकुओं की सेना का सामना तो कर लो। हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शंबाला जंबाला, जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। अरे
ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। समय निकलता जा रहा है। दिव्य अस्त्रों को अपने पास बुलाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें इस खोलते पानी में जाना होगा। इन हड्डियों के ढांचों को हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, तुम दोनों आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे इन्हें। इसका मैं क्या करूं? सीधे हड्डियों पे निशाना लगाओ, अपने आप ही बिखर जाएंगे। हमारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। अगर आप हमारी बात सुन सकते हो तो हमारे पास आ जाओ। आग और पानी आपको बुला रहे हैं, उत्तर दो। दिव्य अस्त्रों की आधी ऊर्जा आपके अंदर समा चुकी है। बस बस कुछ देर और, इनकी पूरी ऊर्जा आपकी होगी। ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, ये तो पटाखों की आवाज है, तुम्हें क्या हो गया है? अरे रुक जाओ। अरे हट जाओ सामने से, ये घोड़ा रुक नहीं रहा है। कभी शेर को घोड़े की सवारी करते देखा है? आप देखोगे। अरे बचाओ, अरे पहले घोड़ा, अब भैंस। अरे रुको, अरे रुक जाओ। शेर की दहाड़ सुनानी ही होगी। अरे रे, उठिए दूल्हे साहब, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। शुक्रिया। में से किसी को पता हो कि भीम कहाँ है? चलो उस दुकान पर चलकर पूछते हैं। लड्डू मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम यहाँ लड्डू खाने नहीं, भीम को पकड़ने आए हैं। वो तो हम लड्डू खाने के बाद भी कर सकते थे ना। भीम को पकड़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अरे साहेब, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। हया लगता है उस्ताद को अपना सच्चा जोड़ीदार मिल ही गया। ये यही है जो भीम को पकड़ने आया है। ओए, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। भीम को पकड़े बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला।
अंधेरी दुनिया में सिर्फ आग ही रोशनी ला सकती है। तुम्हारा पानी तो बस कीचड़ ही कर रहा है। कीचड़? हाँ, अर्ज किया है, कीचड़ में हर बार कमल नहीं उगते। आग से जिसने पंगा लिया वो अब अंजाम भुगते। वाह 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 वाह, शेर ने क्या शेर मारा है। शेर मारा वो तो ठीक है, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मुक्का क्यों मार रहे हैं? धुनी बाबा ने कहा था ना कि इन्हें बाहर की दुनिया का कुछ याद नहीं। याद नहीं तो सबसे पहले लड़ने लग गए। टिपिकल बॉयज, इन्हें तो मैं रोकूंगी। अरे तुम दोनों को पता भी है कि तुम लड़ क्यों रहे हो? ये अजीब सा प्राणी मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। अजीब सा प्राणी? मैं बबली हूँ, बबली मिर्ची नगर से। मिर्ची नगर? भीम, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं चुटकी, ये जग्गू, राजू, ढोलकपुर। ढोलकपुर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बदला। इतनी शक्ति तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, और अभी तो पूरी धरती बाकी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे
जब तक इस धरती के हर एक जीव की जीवन ऊर्जा हमारे अंदर नहीं समा जाती। क्या धरती के हर एक जीव की? पर आप मुझे तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो तबोरा तुम्हारी नाक के नीचे से दिव्य अस्त्र चुरा के ले गया, ऐसा गुलाम किसको चाहिए? महाराज अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो दिव्य अस्त्र वापस ले आऊंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। हमें दिव्य अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना और साथ में उस टबोरा और माइंद्री को भी। जो हुकुम, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं दिव्य अस्त्र वापस ले आया, अब इनकी ऊर्जा से आप वापस ठीक हो जाओगी बुआ। मैं किरमाड़ा या काल का सामना नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि चुटकी और उसके दोस्तों ने भीम और लिटिल सिंगम को बचा लिया होगा। उनके अलावा इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता। धुनी बाबा ने कहा था कि उनकी जड़ी बूटी तुम दोनों को सिर्फ दो दिन तक जिंदा रख सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम।